दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम मेरी सास के ऊपर फालतू में खर्च क्यों कर रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। सुनिए जरा, इधर रसोई में आइए। क्या आप भी सुबह सुबह अखबार लेकर बैठ जाते? जरा इस चीनी के डब्बे को ऊपर रख दीजिए। मेरे हाथों में बेसन लगा रहा। माँ जी कब से पानी मांग रही है, एक गिलास उन्हें पानी दे दीजिएगा। वह भी हद करती हैं, एक काम खुद से नहीं करती हैं। एक अकेली औरत आखिर क्या क्या करेगी। लता जी अपने पति कमलेश जी से कहती हैं। कमलेश जी हंसते हुए बोले, मैं कहता था माँ को लंबी लड़की लाना, देख लो रसोई के काम भी मुझसे करवाती हैं। बेटे को बोलकर एक सीढ़ी क्यों नहीं मंगवा लेती हो। हाँ मैं तो भूल ही गया जो गलती मैंने की, वो रोन बेटा ने नहीं किया। वो तो अपनी अखबार की लड़की को ढूंढ कर लाया है। लता जी बोली, एक मदद करनी तो बोली हूँ, कौन सा आपसे गुलामी करने बोल रही हूँ। आप एक काम करते नहीं और सार बातें सुना देते। आपके बेटे को अपनी बीवी की गुलामी करने से फुर्सत मिले तब तो माँ के बारे में सोचेगा। चलिए जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। तभी लता जी की सास कमला जी आवाज लगाई, बेटा कमलेश कहाँ हो, मेरा ससमा नहीं मिल रहा, जरा ढूंढ दो। लता जी बोली, जाओ जाओ आपकी माँ बुला रही है। जब भी मैं आपको मदद करने के लिए बुलाती हूँ उनके कान खड़े हो जाते हैं और किसी ना किसी बहाने वो आपको बुला लेती हैं। कमलेश जी को भी लगा जान बसी तो लाखों पाए और वह अपनी माँ के पास जाकर बोले, मेरी भोली माँ आपने सर के ऊपर ससमे को बैठा कर रखी और ससमा इधर उधर ढूंढ रही हो। माँ हंसते हुए बोली, बेटा कब से कह रही हूँ एक और ससमा ला दे ताकि एक तो मेरे पास रहेगा। शाम में सब बैठकर शाही पकोड़े खा रहे थे। सभी लता जी की बहू निया बोली, दादी आज मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ, अभी लाती हूँ। कमला जी बोली, एक बात तो माननी पड़ेगी बहू, तुम अपने लिए बहू ढूंढ कर रही हो, तुम्हारे साथ मेरा भी कितना ध्यान रखती है, न जाने आज मेरे लिए क्या लेकर आई है। दादी को डब्बा देते हुए निया बोली, दादी ये लीजिए, जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिसे हर वक्त आप इधर उधर जिसे ढूंढती रहती हैं। अब आपको किसी से उसे ढूंढने के लिए मदद नहीं मांगनी पड़ेगी, बताइए ये क्या। सब सोचने लगे। रोन हंसकर बोला, दादी मैं मदद करता हूँ। दादी बोली, बेटा मेरी मदद तो घर के हर सदस्य करते, तुम अपनी पत्नी की कुछ मदद क्या करो, तब मैं समझूंगी तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया है, क्योंकि मेरा बेटा तो हमेशा अपनी पत्नी की मदद में लगा रहता। सब हंसने लगे। लता बोली, माँ जी आप मेरी तारीफ कर रही या मेरी खींचाई कर रही हैं, बहू आपको इतनी प्यार से तोहफा दी, खोलकर तो देखिए कि क्या। कमला जी ने डब्बा खोला तो उसमें उनके लिए नया ससमा था। निया ने बड़े प्यार से उसे दादी को पहनाया और उनके झूलते हुए गालों को स्पर्श करके बोली, अरे वाह दादी आप तो बहुत सुंदर लग रही है। अब आपके पास दो दो ससमे हो गए और ये देखिए इसमें धागा लगा हुआ, जब भी आप इसे उतारेगी ये आपके गले में लटका रहेगा, फिर आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लता बोली, बहू ये फालतू के खर्चे करने की क्या जरूरत थी, माँ जी के पुराने ससमे में बस शीशा ही बदलवा था, ये तो बहुत महंगा लग रहा। निया मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी जब दादी ने पोते की परवरिश और प्यार में कमी नहीं की तो फिर दादी के प्यार में क्यों कमी होगी। कमला जी ने बड़े प्यार से पोते और बहू को आशीर्वाद दिया। रात के खाने के बाद निया ने रोन से कहा, एक मदद कर दीजिए, जब तक मैं रसोई साफ करती हूँ आप सबको दूध का गिलास दे दीजिए, वरना मुझे सुबह की तैयारी में देर हो जाएगी। तभी लता जी वहाँ आई और बोली, बहू अब रसोई में काम ही कितना बचा है जो तुम रोन से गुलामी करवा रही हो। रोन ने बड़े प्यार से बात को घुमाया
और बोला, मेरी प्यारी माँ, मैं इसकी गुलामी नहीं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, चलिए मेरे साथ। रोन ने निया को इशारा किया, निया भी मुस्कुरा कर बात वहीं ख़त्म कर दी। अगले दिन जब निया रोन के साथ दफ्तर के लिए निकल रही थी तो अपना और उसका लंच बॉक्स पकड़ाते हुए बोली, आप ये लेकर निकलो, मैं बस अभी पानी पीकर आती हूँ। वो भी मुस्कुराता हुआ निकल पड़ा। जब लता जी की नज़र पड़ी तो वो बोली, तुम अपनी नौकरी करते हो कि अपनी बीवी की गुलामी करते हो जो उसका लंच बॉक्स लेकर जा रहे हो। रोन बोला, ये कैसी बात कर रही हो माँ, मैं कुछ रोज से देख रहा हूँ आप बात बात पर मुझे निया का गुलाम कहकर बुलाती हैं। लता जी बोली, तुम हर रोज उसका डब्बा और बैग लेकर घर से निकलते हो, पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। रोन बोला, माँ मुझे दूसरों की नहीं अपनों की परवाह है, मैं अपनी पत्नी की मदद कर रहा हूँ जो मैं पूरे परिवार की देखभाल करती है, इस नाते तो निया हम सब की गुलामी कर रही है। कमला जी सब सुन रही थी, वह लता जी को बोली, ये अच्छा है बहू, मेरा बेटा तुम्हारा काम करे तो मदद और तुम्हारा बेटा वही काम करे तो गुलाम, ऐसा क्यों? मैं तो तुम्हें अपने घर की गुलाम कभी नहीं समझती, परंतु तुम अपने शब्दों में अपनी बहू को इस घर का गुलाम बता रही हो। निया उधर से तैयार होकर आई और सभी के चेहरे को देखकर बोली, ये क्या बात हुई, सुबह सुबह सबके चेहरे पर परेशानी की लकीरें, अरे सुबह सुबह मुस्कुराइए तभी तो पूरा दिन अच्छा बीतेगा। मम्मी जी, मैंने आपके लिए कोफ्ते और दादी के लिए दलिया बना दिया, दादी आज आपको दलिया खाना, रात में आपके लिए मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी। इतना कहकर दोनों दफ्तर चले गए। कमला जी बोली, देखा बहू, वो सब सुनकर भी हमारी बातों को अनसुना कर देती हैं, हम सब के चेहरे पर खुशी लाने के लिए वो क्या कुछ नहीं करती हैं, तुम अपने लिए गड़ा खुद खोद रही हो, आज मैं हूँ इसलिए तुम्हें संचेत कर रही हूँ आगे कि तुम जानो। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। निया पर दफ्तर और घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। एक रोज सभी लोग खाने पर बैठे थे, सभी निया के दफ्तर से फोन आ गया, वह उठकर चली गई, सब खाना खाकर चले गए। रोन की नज़र निया की थाली पर पड़ी, वह उसे उठाकर उसके कमरे में ले गया। निया फोन पर बातें और लैपटॉप पर काम भी कर रही थी। रोन धीरे धीरे छोटा छोटा निवाला निया के मुंह में डाल रहा था। निया मुस्कुरा रही थी और अपना काम कर रही थी। ये सब देखकर लता जी बहुत नाराज हो रही थी। अगली सुबह जैसे ही लता ने रोन को आवाज़ लगाई, कमला जी बोली, बहू घर में नौकर साकर हैं फिर भी तुम मेरे बेटे से हर वक्त गुलामी करवाती हो, कल रात तो तुमने हद कर दी, तुम फोन पर बातें कर रही और बेटा मेरा तुम्हें खाना खिला रहे, ये काम तो औरतों का होता है, मेरा बेटा तुमसे कम नहीं कमाता है। निया ने बड़े प्यार से कहा, मम्मी जी से गुलामी नहीं सहयोग करते हैं, जो पति पत्नी एक दूसरे के काम में मदद करते करते, जिस तरह कभी बारिश होने पर जब पापा जी जल्दी आपको कपड़े उठा कर देते, राशन का सामान उठाकर रिक्शे पर रखते, उसी तरह ये भी मेरी मदद करते, सबका अपना अपना तरीका होता, आशा करती हूँ आप गुलामी और मदद में अंतर समझ गई होगी। इतना कहकर वो चली गई। निया और लता जी की बातें कमले जी ने सुनी। जब वो अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठी थी तो कमले जी उनके लिए चाय बनाकर लाई। लता बोली, आज बड़े दिनों बाद आपको मेरे लिए चाय बनाने की सूसी। कमले जी बोले, यही अंतर है तुम में और बहू में, मैं तुम्हारे लिए प्यार से चाय लाया, तुमने उसमें भी मेरी मनसा देखी। लता, मैं तुम्हारा कहना चाहता मानता हूँ तो तुम उसे मदद का नाम देती हो, वही रोन करता तो तुम उसे गुलामी क्यों कहती हो, जीवन रूपी गाड़ी दो पहियों से चलती है तभी तो मंजिल तक पहुंचती हैं, और ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता, तुम जैसी सूझी हुई पत्नी को पाकर मैं कितना खुश हूँ,
ये मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता। वह बोली, आप सच कह रहे या फिर मेरा मन रखने के लिए बोल रहे। तभी उधर से कमला जी आई और बोली, बहू मेरे बेटे का एक शब्द सच से हम मजाक में तुम्हें जो भी कह दे, परंतु तुमने एक एक ईंट जोड़कर इस घर को घर बनाया। बस मदद को गुलामी का नाम देकर अपने आने वाले रिश्तों को खराब मत करो। इतना बोलकर वह अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह जब रोन तैयार होकर जाने लगा, लता जी बोली, कहाँ चले बहू, कहाँ है? रोन बोला, माँ वो रिक्शे से आ जाएगी, मुझे देरी हो रही है, मेरा टिफिन दे दीजिए। लता जी ने दो टिफिन बॉक्स रोन को पकड़ाए और बोली, थोड़ी सी देरी में तुम्हारी तनख्वाह नहीं कट जाएगी बहू, और उसका डब्बा दोनों लेकर जाओ। पत्नी की इतनी भी मदद नहीं कर सकते, कुछ सीखो अपने पापा से। लता जी की बातें सुनकर निया और रोन दोनों के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। दोनों एक साथ दफ्तर के लिए निकल गए। इधर कमले जी और कमला जी कि लता के बदलते स्वभाव से बहुत खुश थे। दोस्तों, कैसे हम अपने पतियों से मदद की उम्मीद रखते, वैसे ही बहु बेटी भी अपनी पतियों से मदद की उम्मीद रखती होगी। फिर दोनों की मदद में इतना अंतर क्यों? बेहतर तो यही होगा कि हम अपने बेटों को ये सिखाएं कि पत्नियों की मदद करने में शर्म नहीं, गर्व हो।